वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ बैंगन के पकौड़े या बैंगन के भज्जे भी कह सकते हैं इसे। तो इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए जान लेते हैं। कटे हुए गोलाकार में बैंगन चाहिए, देखिए इस तरह से गोल शेप में आपको काटने हैं। और आपको चाहिए होगा बेसन, कॉर्नफ्लोर या मैदा। आपको चाहिए होगा मसाला और हल्दी, नमक और ऑयल फ्राई करने के लिए। बहुत सिंपल है, कम इंग्रेडिएंट्स में ही आपके ये बैंगन के पकौड़े बन जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, तेल गर्म होने पर रख देना है कढ़ाई में। हमने तेल गर्म होने पर रख दिया है, जब तक ये गर्म होता है हमको क्या करना है, बैंगनों को लेके इसमें कॉर्नफ्लोर मैदा सब मिक्स कर लेना है इस तरह से। थोड़ा सा वाटर का यूज करेंगे। हाथों से भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको जो पेस्ट है, थोड़ा सा आपको ये थिन करना पड़ेगा। अब इसमें आपने और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और नमक स्वाद अनुसार यूज करें, मिर्ची और हल्की सी हल्दी आप डाल लें। कई लोग पहले बेसन भी फेंट लेते हैं और फिर डिप करके बनाते हैं, आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। बट ऐसे आपका जो बैटर है वो कम यूज होता है, उसमें आपका वेस्ट हो जाता है, उसमें बच जाता है। थोड़ी देर इन्हें ऐसे ही रख दें। अब हमें इन्हें फ्राई कर लेना है, तेल गर्म हो चुका है इस तरह से। और फिर इन्हें आप पलट लें इस तरह। मैंने भी पलट लिया है, एक और बार हम पहले से देखें फूल चुके हैं या आपके तैयार है, हमने सर्व कर दिया। तो ये रहे आपके बैंगन के भजिए, बैंगन के पकौड़े। बहुत इजी रेसिपी है ये। कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी हमें जरूर बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।